हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका वीर मूवमेंट बानियान फैमिली। तो दोस्तों, आज तो मौसम काफ़ी साफ है। कल तो बारिश थी, पूरा दिन बारिश का ही मौसम रहा। बारिश वैसे बंद तो हो गई थी, लेकिन कभी हल्की हल्की बूंदें आ जाती थी, कभी धूप निकल जाती थी, तो ऐसे ही रहा। आज तो मौसम काफ़ी हद तक साफ है, और आज कपड़े भी कल तक बहुत ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि बारिश की वजह से धुल नहीं पा रहे थे कपड़े। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, तो सभी कपड़े धोए। कपड़े धो के अब 12:30 बजे हैं, तो पैर के देखिए 1:15 बजने वाला है। तो अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज खाने में कढ़ी चावल बनाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया कढ़ी चावल बनाए, और कल से मैंने पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा थी कल, कल से मैंने कार्तिक स्नान भी शुरू किया है। पहली बार किया है कार्तिक स्नान। सुबह जल्दी उठना होता है इसमें, मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे तक मुझे पूजा करनी होती है। तो चलो आज बनाते हैं कढ़ी चावल दोपहर के खाने में। मैंने कढ़ी बनाने के लिए बेसन छान लिया है। अब ये छाछ है डिब्बे में, इसे बेसन डाल देती हूँ। और इस कटोरी में कढ़ी में डालने के लिए जो पकौड़ी बनाऊंगी उसके लिए बेसन डाल देती हूँ। मैं कढ़ी में से मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च कम डालूंगी, फिर बच्चे खाते नहीं है। धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, ये सब मसाले मैं इसमें डालूंगी जो पकौड़ी बनाऊंगी कढ़ी के लिए। सौंफ पाउडर भी डाल देंगे। मैंने सौंफ कुटा हुआ है, रखा ही है कुटा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा। अब उसको अच्छे से घोल देंगे। अब कड़ी को हम ये हाथ की रही है इससे अच्छे से घोल लेंगे। ये मैं कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बना ली हूँ। ये हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई है कढ़ी में डालने के लिए। अब हम कढ़ी को ढक देंगे। इसमें डाल देती हूँ मेथी दाना और लाल मिर्च। मेथी दाना और लाल मिर्च अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि मैं लहसुन प्याज का यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल से ही कार्तिक माह स्नान शुरू किया है, तो इसमें मैं लहसुन प्याज का यूज नहीं करूँगी 1 महीने तक। तो इसीलिए मैं लहसुन प्याज डाल दी हूँ कढ़ी में। अब ये अच्छे से भून गया, इसमें कढ़ी डाल दूँगी, मतलब जो मैंने कढ़ी घोली है बेसन छाछ में वो। ये कढ़ी मैंने छोक दी है, कढ़ाई छोटी है तो इसमें सारी नहीं आएगी कढ़ी, तो इसलिए मैं इसको भिगोने में कर दूंगी। बस एक साथ भिगोने में डाल दूंगी सारी कढ़ी। ये कढ़ी मैंने छोक दी है, कढ़ाई में सारी नहीं आ रही थी तो मैंने भिगोने में कर दिया। इसको कंटिन्यू तब तक हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अगर हमने बीच में ऐसे ही छोड़ दिया तो कड़ी छनक जाती है। तो वैसे मैं कड़ी चूल्हे पे बनाती हूँ, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, जिस वजह से फिर मैंने बनाई नहीं चूल्हे पे, क्योंकि हवा में आग नहीं जल पाती है अच्छे से, धुआं धुआं हो जाता है। कुछ जो ईंधन है उपले या लकड़ी, वो भी थोड़ी नमी है
है बारिश की वजह से, तो फिर इसके लिए मैंने कढ़ी गैस पे बनाई है, वरना मैं चूल्हे पे बनाती हूँ ज्यादातर कढ़ी। कढ़ी में उबाल आ गया है, अब इसमें मैं पकौड़े डालूंगी। कढ़ी में तड़का देने के लिए मैंने अदरक और टमाटर अच्छों तैयार किया है। इधर हमारी कढ़ी बन चुकी है। मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है, जो मैंने टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाया था उसमें कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला डालकर कढ़ी में तड़का लगाया है। कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आता है कढ़ी में, लाल लाल कलर आता है, और गरम मसाले से भी टेस्ट बढ़ता है। तो फिर मैंने कश्मीरी मिर्च और गर्म मसाले का तड़का लगाया। इधर चावल बन रहे हैं कुकर में, अब हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है, बस अब चावल बनने की देर है। खाना बनकर तैयार हो चुका है और मैं अपने मोहन के लिए खाना डाल दिया है थाली में, अब मैं अपने मोहन को भोग लगाऊंगी। मैं अपने मोहन के लिए भोजन लेके जा रही हूँ। मेरा मोहन भोजन प्रसादी पाएगा। मोहन, ये मैंने मोहन के लिए कटोरी में पूरा चावल और कढ़ी और जल, वो भोग लगा रही। मोहन भोजन खा लो। राधिका वीर भी आ चुके हैं अब स्कूल से, उन्हें भी खाना देती हूँ मैं, उन्हें भूख लगी है। राधिका की तो बहुत फेवरेट है कढ़ी, बहुत खुश हो गई थी कढ़ी का नाम सुन के। अब देती हूँ उनको भी खाना। अब राधिका वीर भी खाना खा रहे हैं। राधिका कैसी बनी बेटे कढ़ी? अच्छी बन रही है। वीर तुम्हें कैसी लग रही कढ़ी? मजा आ रहा। फिर को भी पसंद है कढ़ी। तो दोस्तों आइए आप भी खाइए हमारे साथ कढ़ी चावल। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और मेरी वीडियो ऐसी देखते रहें। बाय। राधे राधे।